ये एक सुनहरा सपना है, सपना सुनहरे धातु का, सोने के अथाह भंडार का। कहीं एक खजाना हो जहां सोना ही सोना हो। सदियों से इंसान इस सपने के पीछे भाग रहा है। कहते हैं अतीत में अक्सर ऐसे सपने सिद्ध पुरुषों को आते थे। अब ऐसे सपनों के बारे में नहीं सुना जाता, क्योंकि कहते हैं कि आज के जमाने में सिद्ध पुरुषों की कमी हो गई है। लेकिन लगता है कि धरती अभी पूरी तरह से सिद्ध पुरुषों से विहीन नहीं हुई। यूपी के उन्नाव में आज भी एक सिद्ध पुरुष हैं जिन्हें सुनहरे सपने आते हैं। बाबा का उन्नाव के आसपास काफी प्रभाव माना जाता है। यहाँ की बीघापुर तहसील में 1857 में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले बहादुर राजा राम बख्श सिंह के किले के अवशेष के पास साधु शोभन सरकार का आश्रम है। इलाके में चर्चा है कि एक दिन राजा राम बख्श सिंह की आत्मा स्वयं साधु महाराज के सपने में आई। उन्हें किले के खंडहर में 1000 टन स्वर्ण भंडार दबे होने की जानकारी दी। बाबा ने यह जानकारी खुद तक नहीं रखी, जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर उन्होंने अपने सपने की जानकारी दी। खंडहर के नीचे खजाना होने की बात बताई। बात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI तक भी पहुंच गई। और कमाल देखिए, खंडहर के आसपास ASI की खुदाई टीम ने डेरा डाल दिया। हमारे सरकार शोभन सरकार सपने में उनको जो है आत्मा मिली है, रूह मिली है राजा राव राम बख्श सिंह की। हम लोगों की धारणा है कि सरकार ने अगर कहा है तो गलत नहीं होगा। सोने की बात तो हमको शोभन सरकार से ये जो अभी पता चला है, इसके पहले लोग बताते रहे, पूर्वजों से बताते चले आए हैं कि यहाँ की लक्ष्मी धन है। हम लोगों ने सुना है कि यहाँ पर एक मंदिर के नीचे, मतलब यहाँ पर एक खजाना है, वो हम लोग यहाँ पे देखने आए हैं। हो सकता है आपको इन बातों पर यकीन ना रहा हो, लेकिन बात 100% सच है। ये उन्नाव के बीघापुर तहसील का डोडिया खेड़ा गांव है। यहीं पर वो खंडहर है जहां साधु शोभन सरकार ने 1000 टन स्वर्ण भंडार दबे होने का सपना देखा है। आपके सपने कितनी बार सच हुए हैं ये तो आप भी बेहतर जानते होंगे, लेकिन ASI ने साधु शोभन सरकार का सपना सच करने का बीड़ा उठा लिया है। अब सवाल ये है कि क्या बाबा का सपना सच होगा? जवाब के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर से ASI की टीम डोडिया खेड़ा में खजाने के लिए खुदाई शुरू करने जा रही है। मामला सपने में दिखे 1000 टन स्वर्ण भंडार का है, लिहाजा गांव में पुलिस PAC तैनात कर दी गई है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक से पहुंचे मीडिया के कैमरे भी पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। तो बस अब दिल थाम कर इंतजार कीजिए, शुरू होने वाली है खजाने की सबसे बड़ी खोज। तो नाम के छोटे से गांव डोंडिया खेड़ा में पुरातत्व विभाग शुक्रवार से, कल से खुदाई शुरू करने जा रहा है, लिहाजा गांव में बाहरी लोगों का मजमा लग गया है। सबकी निगाहें आगे के आगे 1000 टन सोने का खजाना नाच रहा है, और इतना सोना देश की तकदीर बदल सकता है। वहीं स्थानीय लोग इस खजाने से गांव की तस्वीर बदलना चाहते हैं। दूसरी तरफ खुद को राजा का वारिस बताने वाले खजाने पर अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि ख्वाबों का यह खजाना है कहां? उन्नाव का डोडिया खेड़ा गांव, गांव में राजा राम बख्श सिंह का किला, किले में वीरानगी और खंडहर। कल तक किले के जिस खंडहर में चमगादड़ और उल्लुओं का बसेरा था, आज वहां बाजार सज चुका है। चाय समोसे की दुकानें सजी हैं, चहल पहल है, रौनक है, मानो मेला सा लगा हो। और हो भी क्यों नहीं, लाइव टेलीकास्ट के लिए मीडिया की OB वैन्स की कतारें लगी हैं, कैमरे हैं, रिपोर्टर हैं, सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान हैं, और दूर दूर से जुट रहे वो लोग हैं जो यहाँ खजाने की खोज का तमाशा देखने पहुँचे हैं। अब ये कोई राज नहीं कि आखिर ये तमाशा कैसे शुरू हुआ। इलाके के लोगों पर खासा असर रखने वाले साधु शोभन सरकार का दावा है कि खुद राजा राव राम बख्श उनके सपने में आए, जिन्होंने उनको किले के नीचे 1000 टन सोना दफन होने की जानकारी दी। साधु ने ये जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी, बल्कि खुद प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक को इस बारे में एक चिट्ठी लिखी। तो आखिर कौन है राजा राम बख्श जिन्होंने सपने में आकर बता दिया कि जमीन खोदो, सोने का भंडार निकलेगा? राजा राम बख्श 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के शहीद हैं। कभी राजा राम बख्श की रियासत उत्तर प्रदेश की अमीर रियासतों में गिनी जाती थी। लड़ते लड़ते अंग्रेजों की कैद में चले गए और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन कहानी है कि अंग्रेजों के हाथों आने से पहले राजा ने एक बड़ा खजाना जमीन के नीचे दबा दिया था। अब करीब 150 साल बाद राजा ने सपने में आकर खजाने की असली जगह का पता दिया है।
इस पते के हाथ लगते ही पीएम से लेकर सीएम तक और सीएम से लेकर डीएम तक हरकत में आ गए हैं। पुरातत्व विभाग की टीम भी इस गुमनाम से किले में पहुंच गई है और तैयारियां हो रही हैं खंडहर के नीचे खजाना खोजने की। स्वर्ण भंडार है, स्वर्ण भंडार होने के नाते और इतना अकूत स्वर्ण भंडार है कि अगर लगाया जाए तो दौरिया खेड़ा और उन्नाव जिले में जगह भी नहीं लगाने के लिए विकास के लिए। ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव पास किया था और मेरे समझ प्रस्तुत किया था कि वहाँ पे शंका है कि वहाँ एक खजाना है और उसको प्रदान करनी चाहिए, उसको मैंने शासन को प्रेषित किया। ख्वाब में आए खजाने के लिए खुदाई 18 अक्टूबर यानी शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। खुदाई के बाद यहाँ खजाना निकलेगा या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन एक कौतूहल जरूर है जो लोगों को यहाँ खींचे ला रहा है। हद तो ये है कि कई बड़े लोग भी यहाँ पहुँचने लगे हैं। सूत्रों की माने तो कई केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और बड़े नेता भी डौड़िया खेड़ा में आकर ये अनुमान लगाने की कोशिश कर चुके हैं कि किले के खंडहर के नीचे खजाना है या नहीं। ऐसे में आम लोगों के कहने ही क्या, खजाना तो यहाँ है, ये पूर्वजों से पहले ही पता चला है, वो बताते चले आए हैं। वो ये भी बताते थे कि जब सूर्य पश्चिम दिशा को जाते हैं, जहाँ पर ये मंदिर का छाया जाता है, लास्ट वाला छाया प्रति, वहीं पे अगर खुदाई हो उस जगह से इसका द्वार मिलेगा, तिलस्मी टाइप का खजाना है। साधु शोभन सरकार के सपने के बाद जिस तरह से सरकार हरकत में आई है उसके बाद डौड़िया खेड़ा गांव गुमनाम जगह नहीं रह गया है, लिहाजा खजाना निकालने से पहले ही पुलिस को उसकी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। एसआई के अधिकारियों से मेरी वार्ता हुई और जहां तक सुरक्षा का संबंध है वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। किले के खंडहर से खजाना निकलना बाकी है, लेकिन पुलिस की तैनाती के बाद अब इस मुद्दे पर भी गंभीर बहस छिड़ गई है कि 1000 टन स्वर्ण भंडार वाले खजाने का क्या हो। ग्राम प्रधान ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी सरकार को भेज दी है जिसमें स्कूल से लेकर एशिया का नंबर एक अस्पताल बनवाने तक की मांग है। मगर ठहरिए, सपने में दिखे खजाने के दावेदार अभी बाकी हैं। कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह में राजा रामबख्श को फांसी पर चढ़ाने के बाद अंग्रेजों ने उनका पूरा परिवार खत्म कर दिया था, लेकिन अब राजा रामबख्श के वारिस भी सामने आ गए। उस खजाने का अगर थोड़ा निकलता तो क्षेत्र किले का विकास, अधिक निकलता तो पूरे क्षेत्र का विकास किया जाए। और हम लोग उनके चूंकि वंशज हैं, स्थिति हमारी गड़बड़, हमें पुनः स्थापित किया जाए यहाँ पर। सपने में खजाना देखने वाले संत शोभन सरकार भी चिंता में है। खबरों के मुताबिक लखनऊ से लेकर दिल्ली की सरकार तक को लिखी चिट्ठी में उन्होंने देश की गिरती आर्थिक हालत पर चिंता जताई है। खबरों के मुताबिक उन्होंने खजाने वाली जगह की निशानदेही करने में ईएसआई की मदद भी की है। अब वो सिर्फ अपने शिष्य संत ओम जी महाराज के जरिए ही बात कर रहे हैं, लिहाजा खजाना है या नहीं इस सस्पेंस से पर्दा उठाने का पूरा दारोमदार अकेले ईएसआई के कंधे पर आ पड़ा है। खबरों के मुताबिक संत शोभन सरकार ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक को चिट्ठी लिखकर फतेहपुर के आदमपुर में 2500 टन सोना दबा होने की जानकारी दी है। जाहिर है आदमपुर में खुदाई का काम तभी शुरू होगा जब डौड़िया खेड़ा का सपने में दिखा सोना बाहर आ जाएगा। कैमरामैन अखिलेश रस्तोगी के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, डौड़िया खेड़ा, उन्नाव। तो डौंडिया खेड़ा गांव में खजाने की खोज शुरू होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि खुदाई में सोना नहीं निकला तो क्या होगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि साधु के ख्वाब पर बहुत से लोगों को यकीन नहीं हो रहा, मुझे भी नहीं हो रहा। यकीन ना करने की पुख्ता वजह भी मौजूद है। गांव में खंडहर, खंडहर में खजाना। देश में ऐसे तमाम खंडहर हैं जिनके बारे में ऐसी किंवदंतियां हैं, लेकिन उन्नाव के डौंडिया खेड़ा का शायद ये इकलौता ऐसा खंडहर होगा जहां खजाने की खोज के लिए एएसआई ने अपने संसाधन झोंक दिए, वो भी किसी वैज्ञानिक आधार पर नहीं बल्कि एक बाबा के सपने के आधार पर। हो सकता है कि सुनहरे सपने की खोज में एएसआई को खजाना मिल भी जाए, लेकिन सवाल ये है कि ये खजाना कितना बड़ा होगा। दरअसल जिस किले के खंडहर में खजाना होने की बात कही जा रही है वो किला 17वीं शताब्दी में स्थानीय तालुकदार तिलक चंडी राजपूत ने बनवाया था। एएसआई के शुरुआती सर्वे में भी पता चला है कि खंडहर लखौरी ईंटों से बना है जिसका इस्तेमाल 17वीं शताब्दी में होता था, यानी खंडहर के नीचे खजाना है तो उसे तालुकदार ने पहले दबाया होगा, इसके बाद उसके ऊपर किले का निर्माण कराया होगा। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या एक छोटे से तालुके की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी थी कि उसने 1000 टन सोने का भंडार इकट्ठा कर लिया। गौरतलब है कि देश के बहुत से बड़े मंदिरों के पास भी
1000 टन सोने का भंडार नहीं, जहां हर साल कई किलो सोना चढ़ावे में आता है। ऐसे में सवाल है कि डोंडिया खेड़ा के ताल्लुकेदार के पास इतनी बड़ी दौलत कहां से आई होगी। सवाल ये कि अगर डोंडिया खेड़ा के पहले ताल्लुकेदार ने यहां खजाना नहीं दबाया था तो आखिर ये खजाना आया कहां से होगा। कहा यह भी जाता है कि डोंडिया खेड़ा के आखिरी तालुकेदार राव राम बख्श सिंह अक्सर अंग्रेज फौजों पर हमला कर उनकी दौलत लूट लिया करते थे। कहावत यह भी है कि 1857 से पहले आसपास की रियासतों ने डोंडिया खेड़ा किले को सुरक्षित स्थान मानकर अपना खजाना यहां दबवा दिया था। फिर भी ये शक जताने वालों की कमी नहीं है कि आसपास के जमींदारों की कुल दौलत भी 1000 टन सोने के बराबर नहीं रही होगी। इसीलिए एक साधु के सपने के आधार पर खजाना खोजने के लिए करदाताओं के पैसे के इस्तेमाल पर सवाल उठाने वालों की कमी नहीं है। पद्धति ठीक नहीं है। अगर एएसए ने कुछ जांच किया और उनके पास कुछ ऐसी निशाने हैं या कुछ ऐसी सबूत है कि ये संभव है, ये हो सकता है, तो करे काम तो समझ में आती। लेकिन किसी को सपना आ गया तो उस हिसाब से हम ये तो अजीब गरीब बात है, ये कभी नहीं सुना हमने। एएसआई ने खजाने की खोज शुरू करने से पहले क्या वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा किए हैं, इसकी जानकारी उसने सार्वजनिक नहीं की। लेकिन खबरों के मुताबिक एएसआई ने खुदाई शुरू करने से पहले इलाके की मिट्टी की जांच की है। खुदाई से पहले स्वामी शोभन सरकार की बताई जगह पर एएसआई ने 2 छेद ड्रिल किए थे। जमीन से करीब 20 मीटर नीचे ड्रिलिंग मशीन ऐसी सतह से टकराई है जो मिट्टी नहीं लगती। हालांकि खंडहर की जमीन के 20 मीटर नीचे कोई धातु, वो भी सुनहरी धातु ही दबी, एएसआई साफ साफ ये कहने की हालत में नहीं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर खजाने की खुदाई का बीड़ा उठाने वाली एएसआई अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का सहारा क्यों नहीं ले रही है। आमतौर पर पूरी दुनिया में ऐसी खुदाई के लिए हाथ से चलने वाले छोटे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जाता है। ये रडार पुख्ता तौर पर बता देता है कि आखिर जमीन की सतह के नीचे है तो क्या है। लेकिन लगता है कि एएसआई को अत्याधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से ज्यादा एक साधु के सपने पर भरोसा है। कैमरामैन अखिलेश रस्तोगी और गौरव के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, डोंडिया खेड़ा, उन्नाव। वैसे हमारे देश में जगह जगह गड़ा हुआ खजाना मौजूद होने के किस्से कहानियां सुने और सुनाए जाते हैं। हालांकि ज्यादातर किस्से सिर्फ किस्से बनकर रह गए, लेकिन एक जगह किस्सा सच भी हुआ। वहां 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की दौलत निकली। कौन सी है ये जगह, बताएंगे ब्रेक के बाद।